Good morning students, this is your maths class and today we will be doing a new chapter, that is measurement of weight or mass, that is chapter number 10. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. Children, you have already learned about this or you have done this chapter in the previous class, third also. So it's just a carry forward. So we will be studying this chapter. We have learnt in earlier classes that the standard unit of weight or mass is kilogram, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में kg कहते हैं. We use kilogram to weigh heavy things and use grams to weigh lighter ones. Now, 1 kilogram, now the thing which you have to understood is that 1 kilogram is equal to 1000 grams. Means 1000 grams जब हो जाएंगे पूरे तो वो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 1 किलोग्राम हो जाएंगे. तो आप कह सकते हो कि 1000 ग्राम्स को हम लोग 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट वेट्स गिवन हेयर. चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट चैप्टर, ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बुक में दे रखा है, सम स्टैंडर्ड वेट्स यूज फॉर वेइंग थिंग्स आर शोन. ये है 5 kg का वेट है, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है, ये 500 ग्राम का है, ये 200 ग्राम्स का है. सो यू विल सी दैट 500 ग्राम वेट्स कितने होने चाहिए, 2. अगर 2 500 ग्राम के 2 वेट्स मिल जाएं तो वो कितने के इक्वल हो जाएंगे. तो 500 और 500 कितना होता है, 1000 ग्राम. और आपको पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. तो ये क्या हो जाएगा, वेट मेक 500 ग्राम वेट्स मेक 1 kg. देयरफॉर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2 kg. मीन्स अगर आपके पास सिर्फ 500 ग्राम है तो वो कितना हो जाएगा, वो 1/2 kg हो जाएगा. और अगर आपके पास 2 500 ग्राम्स के वेट हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा. इसी तरीके से नीचे दे रखा है, 5 200 ग्राम वेट्स मेक 1 kg. अगर आपके पास 200 ग्राम्स के 5 वेट हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, 200 ग्राम का वेट दे रखा, ऐसे 5 वेट्स हैं आपके पास, तो कितना हो जाएगा, तो 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, तो 5 बार आप उसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा. तो 1000 ग्राम अगेन इज इक्वल टू 1 kg. तो ऐसे 5, तो ये भी 1 kg हो जाएगा. और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 200 ग्राम इज इक्वल टू 1/5 kg, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 10 100 ग्राम्स वेट्स मेक 1 kg. अब ऐसे अगर आपके पास 100 ग्राम्स के 10 वेट्स आ जाएं, जैसे यहाँ पे दे रखा 100 ग्राम का वेट है ये, ऐसे आपके पास 10 वेट्स हो जाएं, तो आप उसको 10 बार जोड़ोगे 100 100 100 100, तो जब टोटल आएगा उसका, वो भी आएगा आपका 1000 ग्राम आएगा. तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 kg, तो ये आपका 1 kg हो जाएगा. और उसको आप लिख कैसे सकते हो, 100 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 kg, ठीक है. 100 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 kg. सो चिल्ड्रेन, लाइक दिस यू हैव टू डू इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस ऑल्सो. देर इज वन एग्जाम्पल गिवन हेयर, एड 25 kg 50 ग्राम एंड 48 kg 9 ग्राम. नाउ यू हैव टू राइट द kg एंड ग्राम इन डिफरेंट कॉलम्स as you were doing in class 3rd also. Now kg will be written in the left column, grams will be written in the right column, and you have to write grams in 3 places, okay, 3 digits. Aur kg aap chahe jitne aage badha sakte ho, likh sakte ho, lekin grams aapke 3 digits mein hi honge. To kitna hai yahan pe, 25 kg and 50 gram. Now 25 kg 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स मीन्स 050. अगर मैं 50 अगर यहां लिख दूं, सिर्फ 50 लिख दूं, तो
आपका कोई अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई अगर नीचे 3 डिजिट्स में अगर कोई ग्राम आ जाएगा तब आपको यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 ग्राम है तो आपको 9 ग्राम के लिए 009 लिखना पड़ेगा। ये सब मैंने क्लास 3 में आपको पिछले साल भी बताया था कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो 9 ग्राम्स को आप सबसे पहले राइट साइड पे 9 लिखोगे, उसके आगे 00 करोगे। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपका जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना उसमें फिर से डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें। तो 0 प्लस 9 इज 9, 5 प्लस 0 इज 5, 0 0 0, देन 5 प्लस 8 इज 13, 3 हियर 1 कैरी हियर, नॉट 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 4 इज 7, सो इट इज 73 kgs एंड 59 ग्राम्स। So you can also put one dot over here if you want, and you can write here sum is equal to 73 kgs and 59 grams. In the same way, the second example is also given. You can see this. This is the carry forward, okay? यहाँ पे जब आपने ग्राम्स को लिखा, देखो यहाँ पे बच्चों जैसे कि ये 750 ग्राम्स है ना, 750 ग्राम्स। अगर यहाँ पर भी 750 ग्राम्स होता और ऊपर 50 होता तो आपको 3 डिजिट में लिखना पड़ता और ऊपर 2 ही लिखते। तो इसलिए हमेशा बराबर के डिजिट्स में लिखना होता है कि नीचे और ऊपर दोनों डिजिट्स बराबर हो। अगर नहीं बराबर होती तो हम लोग उसके आगे 0 लगा देते हैं, ठीक है, उसके पहले एक 0 लग जाता है। तो यहाँ पे है 13 kg एंड 750 ग्राम, और क्या ऐड करना है उसमें, 27 kg एंड 500 ग्राम्स को ऐड करना है। तो आप ऐसे लिखोगे 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 इज 12, तो 2 यहां लिखोगे और 1 कहां जाएगा, ऊपर कैरी फॉरवर्ड, तो 1 ऊपर हो गया, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 7 इज 11, तो 1 यहां लिखोगे और 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड गया, 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 41 kg एंड 250 ग्राम्स। Here it is the answer, 41 kg and 250 grams। तो इसी तरीके से आपको ये सारे examples करने हैं, और फिर हमारे पास ये exercise 10.1 है, इसमें you have to see the weights given on the left side and you have to write down how many kgs and how many grams are given in these weights, ठीक है। So you have to do this, there is exercise number 10.1 जिसमें आपके पास total 16 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर आपकी आपकी एक्सरसाइज 10.2। सो वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू चिल्ड्रन। इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द क्लास ग्रुप, ओके। सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।